वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल देसी वंडरलैंड। और आज फिर हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और अनबॉक्सिंग होने वाली बोया के माइक की। तो देखते हैं कैसा क्या बोया का माइक निकलता है। ये भी हमने हमारी जो ब्लॉगिंग है उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ऑर्डर किया था, जिससे हमारी साउंड क्वालिटी ठीक हो सके। तो चलो दोस्तों अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और इसको साइड में करते हैं, बट ये जो चीज निकलती है इसको से चटाचट फोड़ने में काफी मजा आते हैं। तो गाइस अभी मैं आया हूँ हमारे खेत पर, और बोनी हो चुकी खत्म। आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा, और आज ट्रैक्टरों को धोने के बाद गैरेज में रख दिया जाएगा। तो दोस्तों ट्रैक्टरों की धुलाई सुलाई जोरों पर चालू हो चुकी है। धो रहे हैं ट्रैक्टर, अभी बख्खर मोदी की मशीन से धोना चालू कर रहे हैं चाचा ने। तो किलो का इतनी जगह दवा है। अच्छा, दोस्तों बताता हूँ आपको डेरी। ये डेरी हमारी, ये गाय हैं पूरी जर्सी गाय, जो संकरण गाय रहती है, जर्सी गाय वो नहीं है। ये हमारे ओम प्रकाश दा हैं, ये डेयरी को संभालते हैं। ओम प्रकाश दा, कितनी गाय भैंस अपना गाने अपना गाने है? कम से कम सौ नहीं, सही बता सकती, 40-45 है। लग जाता वो दिन भर संभालना में? हाँ, दिन भर। अच्छा, चलो कि तो अपना दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ये अपने दोस्तों से बोल दो। नहीं, ऐसे ही समझ को कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चाचा फुल फार्म में धो दिया है ट्रैक्टर और बोनी की मशीन, और उन्हें करवा लियो पाइप चालू, और हेडी रहा जगह जगह से कीचड़। अभी थोड़ी देर पे लगा सी टायर जो हुई गो तो पंचर। और एक भाई साहब इन्हें भी धो दिया पुराना वालो ट्रैक्टर। एक चाचा इन खड़े है टोपी में, ये दी जाए टिप्स गाय उनके बरसिंग खड़ाने का। कई चाचा बढ़िया? हाँ बढ़िया। कैसा कहीं मालडोर हो सब? सब व्यवस्थित है। तो अभी दूध कितना कहीं दी रहा है? अभी कमी दी रहा कहीं? तो मैंने तो सुनी थी कि बारिश में सब दूध बढ़ जाए है। ज्ञापन है सब ये? अच्छा, ज्ञापन है अभी सब जाओ 4-5 केन दूध। अच्छा अच्छा, बढ़िया मजा ही रहा है डेयरी में। बढ़िया मजा ही रहा। तो फिर एक एक दिन पूरी गाय उनका बारे में बता, जो कहाँ की गाय है, कितना दूध दे, कितना की खरीदी थी, कितना में बेचनी है, सब बताएंगे। डेली अपडेट करिया करांग गाय उनका ने। चलो, और एक गाय की कितनी खल दो वैसे? अलग अलग रहती होगी दूध देने का ऊपर नहीं सब है? चलो ठीक। तो दोस्तों अभी तक मिला था हमारा चाचा था, ये डेयरी पूरी देखे है, और ये हमारे यहाँ मजदूर होने उनका बालक होने करी रहा मजा मस्ती करी रहा फूल खेत में गेंद गड़ो खेली रहा, बचपन की याद ताजा करी दी रहा है। चलो दोस्तों मिलना थोड़ी देर बाद। ओम प्रकाश दाव। हाँ जी सर। राम राम। राम राम। कई हाल चाल? बस बढ़िया साहब। भैंसों के नहीं नड़ाओ गई? नड़ाएंगे नहीं। हाँ चलो अभी। चाचा कब बुलावा आया है? हाँ चाचा, पाइप। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं अभी इंदौर के लिए। अब मैं और मोहन चाचा हम दोनों साथ में जा रहे हैं इंदौर। मोहन चाचा हाय कर देना दोस्तों। हाय हाय। दोस्तों हमें घर से निकले हो चुका है आधा घंटे से ऊपर, और हमने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है।
और अभी हम फ्यूल के लिए रुके हुए थे, अभी हमने फ्यूल करवाया हुआ है। तो दोस्तों चलो निकलते हैं आगे के लिए। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र रहा, फाइनली अब हम बैंक के जा रहे हैं। जो जिस काम के करने के लिए आए थे वो हमारा बैंक के काम है। मेरे एक अकाउंट यहाँ की बैंक में, तो उसमें कुछ मेरा पैसा उलझा हुआ था, तो ATM था नहीं मेरे पास, उसका काफ़ी पुराना अकाउंट है, गलती से पैसे डल गए थे उस अकाउंट में, तो पैसे के निकलाने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं सिग्नल के पास, सिग्नल हो चुका है बंद और हमारी मंजिल आ चुकी है बिल्कुल पास। हमें जाना है यहाँ से राइट, जिधर है हमारा होलकर कॉलेज और वहीं पे हमारा बैंक का ब्रांच। तो इस चौराहे को तो आप पहचानते ही होंगे जो इंदौर में रहे हैं, तो कमेंट में बताना आप कौन सा स्क्वायर है ये। तो दोस्तों इंदौर में हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, बैंक का काम लगभग ख़त्म हो गया है, अकाउंट से पैसे निकाल चुका हूँ और उसको क्लोज करवा दिया है। बस अब जाना गाड़ी की सर्विस के लिए, तो लगता तो नहीं कि आज हो पाएगा, मुश्किल है आज होना, कल तक टल जाएगा, तो हो सकता है आज रात ये स्टे करना पड़े इंदौर। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं TI मॉल और यहाँ पे मेरे भाई विनोद से मिलने आया हूँ मैं, काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। कैसा है भाई? विनोद को आप जानते होंगे हमारे पुराने ब्लॉग में, विनोद की चाय में आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी मैंने उस दिन। और विनोद भाई कैसा क्या चल रहा है आफ्टर लॉकडाउन? बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है। धंधा वंदा कैसा चल रहा है? धंधा थोड़ा डाउन है लेकिन आ रहे हैं ट्रैक पे धीरे धीरे। विनोद भाई यहाँ पे मैनेजर है, विनोद भाई की शॉप देख लीजिए। विनोद यार थारो चेहरो देखते ही 80,000 प्लस हो गए मैं एकदम, एक गाड़ी चली गई बाकी भाई उनके सब समझे ही। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आधार कार्ड लिख के रख लीजिए। दोस्तों अभी दिया है सैंडविच का ऑर्डर, काफ़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा पेट पूजा की जाए, तो एक मसाला सैंडविच और एक चीज़ चटनी सैंडविच और एक मसाला ग्रिल सैंडविच का ऑर्डर दिया है। दोनों तीनों भाई मिलके खाएंगे सैंडविच। गणेश पे छा जाइए, चढ़ता गणेश उतरता गणेश।